नमस्ते दोस्तों, मैं हूं गायत्री और आपका स्वागत है आपके अपने कुकिंग चैनल गायत्रीज कुकिंग क्लब पे। प्रेस द बेल आइकन ऑन द यूट्यूब ऐप एंड नेवर मिस अनदर अपडेट। दोस्तों, आज जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ उसका बेसिक आइडिया ये है कि हम सब क्वारंटाइन पीरियड यानी कि लॉकडाउन पीरियड में चल रहे हैं, जिसमें हमें काफ़ी लिमिटेड सामान इस वक्त मिल रहा है, और इस वजह से मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूँ एक राइस की रेसिपी। ये रेसिपी है भुगा चावल की। ये सिंधी भुगा चावल है, जिसे आप भुना चावल भी बोल सकते हैं या ऑनियन राइस भी बोल सकते हैं, और ये बहुत टेस्टी बनते हैं और काफ़ी कम सामग्री में बनते हैं। दूसरी बात यह है कि ये काफ़ी वर्सेटाइल होते हैं। आप इसे मूंग की दाल के साथ, किसी भी दाल के साथ सर्व कर सकते हैं, आप इसे सिंपल दही के साथ सर्व कर सकते हैं, या कोई रायता हो या कोई पालक दाल अगर आपने बनाई हो। और इसका बढ़िया कॉम्बिनेशन होता है साई भाजी, जो कि सिंधी डिश होती है, उसके साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा जाता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आएगी, क्योंकि ये जल्दी भी बनते हैं और बहुत टेस्टी बनते हैं। शुरू करने से पहले, जो व्यूवर्स मेरे चैनल से नए जुड़े हैं, मोस्ट वेलकम। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी, तो आप इसे ज़रूर ज़रूर अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करेंगे, क्योंकि इस पीरियड पे ऐसी रेसिपीज़ काफ़ी यूज़फुल होंगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल का आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको सारी लेटेस्ट अपडेट्स मिल सकें। मैं कोशिश करूँगी इस पीरियड में कुछ ऐसी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूँ जो हम कम सामग्री में और कम टाइम में बना सकें। तो चलिए बनाते हैं ये बढ़िया से भुगा चावल। यहाँ गैस पे कढ़ाई गरम कर दी है हमने, और इसमें सबसे पहले हम ऐड करेंगे ऑयल। तो 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर रही हूँ मैं कढ़ाई में, और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे कुछ खड़े मसाले। फ्लेम जो है वो हम मीडियम में रखेंगे। तो यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ करीब 4 लौंग, 4 से 5 काली मिर्च के दाने, 1 तेज पत्ता और 1 दालचीनी का टुकड़ा। अब इन खड़े मसालों को थोड़ा सा हम पका लेंगे इस तेल में। कुछ सेकंड हो चुके हैं और ये जो खड़े मसाले हैं ये तेल में फूल गए हैं। इस स्टेज पे आप चाहें तो थोड़ा सा जीरा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो कंपलसरी नहीं है। मैं यहाँ जीरा ऐड नहीं कर रही हूँ। अब इसमें मैं ऐड करूँगी लंबे कटे हुए प्याज। ये 2 प्याज हैं मीडियम साइज के, जिनको मैंने लंबा काट लिया है, और इसे अब हम भूनेंगे जब तक कि ये ब्राउन कलर के नहीं हो जाते। मीडियम फ्लेम पे हमें इन्हें भूनना है जब तक कि इनका कलर ब्राउन नहीं हो जाता। करीब 2 से 3 मिनट हो चुके हैं हमें प्याज को भूनते हुए, और ये हल्के से सॉफ्ट हो गए हैं। यहाँ मैं सिर्फ 1 चुटकी नमक इस पे स्प्रिंकल करूँगी। ये एक टिप है प्याज को जल्दी पकाने के लिए। ऐसे करने से प्याज का जो रंग है वो जल्दी ब्राउन हो जाता है, क्योंकि प्याज का मॉइस्चर जो है जल्दी रिलीज होता है और प्याज जल्दी पक जाता है। तो इसी तरह से हम इसे चलाते हुए भून लेंगे जब तक कि इसमें अच्छा सा ब्राउन कलर आ जाए। ये देखिए, करीब 5 से 6 मिनट हो चुके हैं, प्याज हमारा अच्छा ब्राउन हो गया है। हमें इसे जलाना नहीं है, सिर्फ भूनना है ब्राउन होने तक। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और फ्लेम इस वक्त बिल्कुल लो है, और ऐड करूँगी स्वाद अनुसार नमक। मैं यहाँ 1 चम्मच के करीब नमक ऐड कर रही हूँ। मिला लेंगे इसे, और तुरंत हम इसमें ऐड करेंगे पानी। अब जितने हमने चावल लिए हैं उसका डबल मैंने पानी लिया है। ये देखिए, और अब इस पानी को हम उबाल आने देंगे, और इसी वक्त हम जो हमारी सीजनिंग है उसे चेक कर लेंगे कि नमक सही है क्या। बिल्कुल परफेक्ट है, आप इस पानी को टेस्ट करके देख सकते हैं, इसमें नमक बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट है, और प्याज जो है हमारा एकदम अच्छा डार्क ब्राउन हुआ है। बस ऐसे ही हमें प्याज भूनना है। भुगा का मतलब ही यही होता है, भूनना। और ये बहुत ही कम सामान में ये एक अच्छा पुलाव रेडी होता है, और इसे आप दही के साथ सर्व कर सकते हैं, इसे आप दाल, मूंग की दाल के साथ भी सर्व कर सकते हैं, पालक वाली दाल के साथ सर्व कर सकते हैं। ये बहुत टेस्टी लगता है। अब हम इसे कवर कर लेंगे
जब तक के पानी में उबाल आ जाए। ये देखिए पानी में अच्छा सा उबाल आ रहा है, पानी बॉईल हो रहा है। इस स्टेज पे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ करीब 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। ये एक बहुत अच्छा फ्लेवर देगा हमारे राइस को। और अब इस उबलते पानी में मैं ऐड करूँगी राइस, जो कि है 1.5 कटोरी। मैंने यहाँ कोलम राइस यूज़ किए हैं, आप जो राइस यूज़ करना चाहें आप कर सकते हैं। राइस डाल दिए हमने इसमें, तो 1.5 कटोरी राइस के लिए मैंने 3 कटोरी पानी लिया था। हल्के हाथों से इसे मिला लेंगे और अब इसे उबलने देंगे। तो अब हम इसे थोड़ी देर बॉईल करके पकाएंगे, फिर हम इसे ढक के पकाएंगे। ये राइस जो है यहाँ पे बॉईल हो रहे हैं, हमें इन्हें इस वक्त बिल्कुल नहीं छेड़ना, इसी तरह से हमें इन्हें बॉईल करना है तब तक जब तक कि जो पानी है वो सूखकर राइस के लेवल का ना रह जाए। और उसके बाद हम इसे थोड़ी देर ढक देंगे, तो इसे करीब 5-6 मिनट लगेंगे इस तरह से पकने में। ये देखिए चावल हमने थोड़ी देर बॉईल कर लिए और पानी जो है काफ़ी हद तक सूख चुका है। ये चावलों के लेवल जितना ही पानी बचा है। अब गैस फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया है मैंने और इसे अब हम ढक कर करीब 10-12 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पे इसी तरह से छोड़ देंगे और फिर बाद में चेक करेंगे कि हमारे चावल पके हैं या नहीं। करीब 10 मिनट हो गए हमने राइस को सिम पे रखा था पकने के लिए, और चेक कर लेते हैं। ये राइस हमारे बिल्कुल रेडी है, देखिए एक एक दाना जो है अच्छी तरह से गल गया है राइस का, देखिए। हल्का सा एक स्टर दे देंगे इसको, इस तरह से बहुत ही प्यारा कलर आया है और बहुत ही कम सामग्री में ये राइस बन जाते हैं। बस ये बिल्कुल तैयार है। अब हमें गैस ऑफ कर देंगे हम और इसे ढककर करीब 5-6 मिनट तक इसी तरह से स्टीम में छोड़ देंगे। उसके बाद हम इसे डिश आउट करके सर्व कर लेंगे। तो देखा दोस्तों आपने कितनी सिंपल तरीके से और कितनी कम सामग्री से हमने तैयार किए ये टेस्टी से भुगा चावल। उम्मीद करती हूँ आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी। फिर मिलूंगी नई रेसिपी के साथ। टिल देन गुड बाय, स्टे सेफ एंड स्टे एट होम।